अब जो समाचार हम आपको बताने जा रहे हैं श्री गंगानगर के गढ़साना से, जहां गैस सिलेंडर की किल्लत, उपभोक्ता परेशान। त्योहारी सीजन शुरू, बढ़ने लगी है रसोई गैस की मांग। गढ़साना सहित ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने से उपभोक्ताओं को एजेंसी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को घंटों कतार में लगकर गैस लेने की मजबूरी बनी हुई है। बता दें कि शहर में एकमात्र जय सालासर भारत गैस एजेंसी है। इस एजेंसी से उज्ज्वला योजना सहित करीब 22,000 उपभोक्ता जुड़े हैं। प्रत्येक सप्ताह करीब 2,000 गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन पिछले सप्ताह से यह सप्लाई औसत 800 तक सीमित कर दी गई है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। त्योहारी सीजन के चलते बाजार में घरेलू गैस की मांग अचानक से बढ़ गई है। पूर्व में रोजाना औसत 300 गैस सिलेंडरों की मांग थी, जो अब बढ़कर 450 तक हो गई। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि गैस किल्लत को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और त्योहारों से पूर्व ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। उन्होंने बताया कि गुजरात से शिपमेंट देरी से आ रहे हैं, उसी के चलते गैस की किल्लत हुई है, जो आगामी एक सप्ताह से पहले सामान्य कर दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 6,000 कनेक्शन दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर में गैस सिलेंडर की आपूर्ति होने से लोग लकड़ी गोइठा पर खाना बनाना बंद कर दिए हैं। गैस सिलेंडर प्राप्त करने में उपभोक्ताओं को बुकिंग कराने से लेकर प्राप्त करने में 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। जय सालासर भारत गैस एजेंसी के मैनेजर विष्णु शर्मा से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले एक पखवाड़े से कंपनी द्वारा गैस सिलेंडर की कम आपूर्ति की जा रही है। डीडी जमा रहने के बाद भी जरूरत के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर देने में परेशानी हो रही है। उपभोक्ताओं को समस्या से निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।